नमस्कार सभी को। मैं मत्तु केवट, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी विषय मराठी के अंतर्गत माझा अनुभव इस पाठ का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। तो आइए देखिए इस पाठ का वाचन और इसके अर्थ किस तरह से है। वार्षिक परीक्षा संपली मी अनि रीमा घरी आलो। वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई, मैं और रीमा घर पर आए। घरी पोहोचताच आई ने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। घर पर आते ही माँ ने कहा, कल हमें आगगाड़ी से मामा के गांव जाना है। रीमा ने आनंदा ने उड़िया मार लिया। रीमा ने बहुत खुशी खुशी उड़ी मारा अर्थात कूदी। पायात ले पैजन छुम छुम बाजवती घर भर फिर ली। पैर की पायल को बजाते हुए रीमा घर भर नाचते हुए छुम छुम पायल को बजाते हुए वाजवत्ती घर भर फिर ली अर्थात पूरे घर में इधर उधर दौड़ती रही। मामाच्या गावाला जाना साठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के गांव जाने के लिए हम लोग सुबह निकले। आग गाड़ी बसलो, आग गाड़ी में बैठे। आग गाड़ी अर्थात इंजन वाली जो रेल होती है। आग गाड़ी झुक झुक करत चालनी होती। आग गाड़ी जो थी छुक छुक करते हुए जा रही थी। कोयले और इंजन वाली जो कोयले से चलती है, पहले कोयले से रेलगाड़ी चलती थी तो उस रेलगाड़ी को आग गाड़ी कहते थे। खिड़की बस लेला रीमा चे केस भुर भुर उड़त होते। खिड़की के पास बैठी हुई रीमा के बाल जो थे भुर भुर उड़ रहे थे। खिड़की तुन एनारा उन्हा मुड़े तिचे डोले लुक लुकत होते। खिड़की से आने वाली धूप के कारण उसकी जो आंखें थी वो लुक लुका रही थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिशत होता। उसका चेहरा जो था प्रसन्न दिखाई दे रहा था। आई वाचत असलेला पुस्तकाची पाने हवेत फड़फड़त होती। माँ जिस पुस्तक को पढ़ रही थी उसके पन्ने जो है हवा से फड़फड़ा रहे थे। ती वाचतान वाचनात तल्लीन झाली होती और माँ पढ़ने में तल्लीन मग्न हो गई थी। मैं खिड़की तून बाहर पाहू लागलो, मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंड गार वाराचा झोड़का अंगावर झेलू लागलो और ठंडी ठंडी हवा की झोंके जो मेरी शरीर पर आ रहे थे उसको मैं सहन करने लगा। तेवड़ात माझे लक्ष माझा शेजारी बस ले लिया मावशी कड़े गेले। उतने में मेरा ध्यान मेरे बगल में बैठी हुई मौसी जो थी उनके तरफ गया। त्यांचा मांडी वर बसलेला छोटे से बाळ माझ्या कडे पाहून खुदकन हसले। उनकी मांडी पर अर्थात उनकी जंघों पर बैठा हुआ छोटा बच्चा मेरे तरफ देखकर मुस्कुराया। मी बाळाला मांडी वर घेतले। मैं उन्हें उस बच्चे को अपने मांडी पर ले लिया। मांडी अर्थात अपने पैरों या जंघों पर बिठा लिया। ते खिड़की तुन पड़नारी झाड़े टुकू टुकू पाहू लागले और वह बच्चा खिड़की से भागने वाले पेड़ों को टुक टुक करके देखने लगा। पाहता पाहता ते गाढ़ झोपले और देखते देखते वह गहरी नींद में सो गया। स्टेशन वर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता। स्टेशन पर बैलगाड़ी को लेकर मेरे मामा आए थे। मी
रीमा ने पढ़त पढ़त मामाला गाठ ले। रीमा ने दौड़ते दौड़ते मामा को क्या किया, पकड़ लिया। आम्ही बैलगाड़ी बस लो, हम लोग बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलांचा गळ्यातील घुंघरू माळा खूळ खूळ वाजत होत्या। बैलों के गले में लगी हुई जो घुंघरू की माला थी वो खुड़ खुड़ करके क्या हो रही थी, आवाज कर रही थी, बज रही थी, घुंघरू बज रहे थे। बैलगाड़ी चाका चक खड़ खड़ आवाज ताला एत होता। बैलगाड़ी के पहियों के यानी पहियों चक्कों की आवाज खड़ खड़ ताल और सुर में बज रहे थे। आम्ही घराचा रास्ता ला लागलो, अर्थात हम लोग घर गांव के घर के रास्ते पे जाते हुए लग गए थे। हमें रास्ता गांव का मिल गया। झाड़ा तिल पक्षांची किलबिल, शेतात चरणारा गाईचे हांबरणे, बकऱ्याचे बेबे हे सारे वातावरण मिसळून गेले होते। अर्थात पेड़ों पर चहचहाने वाले पक्षी, खेतों में शेतात चरणारा गाईचे हांबरणे अर्थात खेत में चरने वाली गाय का रभाना, बकरी चे बेबे बकरियों का बेबो करना, इन आवाजों से सारा वातावरण मिश्रुम गेले होते अर्थात गूंज रहा था। शेता तिल पिक्या पिके वाऱ्याचा मंद मंद डुलत होती। शेता तिल पिके वाऱ्यांवर मंद मंद डुलत होती अर्थात खेत में लहलहाती फसल जो थी हवा के झोंकों के साथ मंद मंद हिल रही थी, लहलहा रही थी। मन आनंदा ने थुई थुई नाचत होते अर्थात बाहर के प्रकृति दृश्यों को देखकर मन जो है मोर की तरह थुई थुई नाच रहा था। घरी एतास तोंड भर हसुन, मामा ने आमचे स्वागत केले। घर पर आते ही हंस करके मामा ने हमारा स्वागत किया। मामाची मुले राजू अन चीमी आमचीच वाट पाहत होते। मामा के जो बच्चे थे राजू और चीमी हमारी ही राह देख रहे थे। आम्ही एकमेकांना कड़कड़ून भेटलो, हम लोग एक दूसरे को पकड़ करके बहुत अच्छी तरह से मुलाकात किए। आजी हळू हळू चाळत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। जो हमारी आजी थी वो धीरे धीरे लकड़ी के सहारे लकड़ी को टेकते टेकते हमारे पास आई। आम्ही आजीला बिलगड़ो, आम्ही आजीला बिलगड़ो, बिलगड़ो अर्थात हम लोग जा करके आजी को अपने दोनों हाथों से क्या किए, पकड़ लिए। तिने आम्हाला जवळ घेतले, उन्होंने हमें अपने पास लिया। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हाथ फिरवला हमारे सिर पर से और हमारे चेहरों पर से। आजी ने क्या किया, हाथ को फिराया। तिचा हाताचा थर थर नारा स्पर्श खूब प्रेमर अन बोलखा होता। आजी के वो कांपते हुए हाथ जब हमें स्पर्श कर रहे थे तो वह बहुत ही प्रेम के साथ उन हाथों अर्थात आजी मुंह से ना बोल करके अपने प्रेम को अपने हाथों से हमारे शरीर को यानी उसके हाथ बोल रहे थे। प्रेमल बोल का हाथ अर्थात आजी के जो हाथ थे वह बोल रहे थे। आजी मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी और हमें स्पर्श कर रही थी। अम्हाला खूब गहिवरुन आले अर्थात हमें हमें गहिवरुन आले, गहिवरुन अर्थात हमारे चेहरों पर हमारी आंखों में आंसू आ गए और हम हमारी आंखों से आंसू टपकने लगे। चेहरा हमारा गला रुआसा सा हो गया। दूसरा दिवसा पासून
नुसती धमाल, विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, बाळाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामा बरोबर फेर फटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामा बरोबर फिरायला जाणे, रोज मजाच मजा, आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही, आम्ही परत गावी आलो। अब इसका अर्थ हम देखते हैं, दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, दूसरे दिन से हम लोगों ने क्या किया, धमाल करना शुरू कर दिया। विहरीवर पोहायला जाने अर्थात कुएं पर तैरने को जाना, कुएं पर शेतात बागाने खेतों में जा करके इधर उधर घूमना, आंब्याचा झाडावर चढून कैऱ्या आम के पेड़ पर चढ़ करके कच्चे आम, कच्चे आमों को खाना, पाड़ाचा आंबा तोड़ून खाने और पाड़ा का पका हुए पके हुए आमों आम को तोड़कर खाना, बैलगाड़ी तुन मामा बरोबर फेर फटका मारने अर्थात बैलगाड़ी में मामा के साथ इधर उधर जा करके घूमना, आज सेतावर आज खेतों पर तर उद्या आम राइत मामा बरोबर फिरायला जाने, आज खेत पर तो कल आम राई अर्थात आम के बगीचे में जाकर मामा के साथ खेलना, रोज मजाच मजा, यानी प्रतिदिन हमारी मजा ही मजा थी। आमची सुट्टी कधी संपली ते अमाला समझलेस नहीं, हमारी छुट्टी जो है कब समाप्त हो गई ये हमें पता ही नहीं चला, अम्मी परत गावी आलो, और हम लोग वापस अपने गांव को आ गए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से माझा अनुभव, इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सगळ्यांना।